हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई थिंक ऑल आर फाइन। सो DPG ITM इंजीनियरिंग कॉलेज एंड राव दिलीप सिंह कॉलेज ऑफ एजुकेशन, और इसके साथ साथ अगर एक दो और कॉलेज के नोटिफिकेशन मिलेंगे तो वो भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। तो टीचिंग एंड नॉन टीचिंग वैकेंसीज रिलेटेड आपकी जो है वैकेंसीज हैं दोनों डिपार्टमेंट्स में। एप्लीकेशन फ़ीस आपकी यहाँ पर जीरो रहेगी। तो इंटरेस्टेड हो, अप्लाई करना चाहते हो तो ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, लेकिन वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि फुल इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल सके। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलेंगी टीचिंग नॉन टीचिंग वैकेंसी PhD एडमिशन रिगार्डिंग। और अगर आपको कॉमर्स स्टूडेंट तो कॉमर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ कॉमर्स की इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आपको हमारे चैनल पर अवेलेबल हो जाएंगी। तो चलते हैं और चेक करते हैं फुल इन्फॉर्मेशन। तो सबसे पहले देख लेते हैं राव दिलीप सिंह कॉलेज ऑफ एजुकेशन। राव दिलीप सिंह कॉलेज ऑफ एजुकेशन, देखो यहाँ पे जो है कॉन्टैक्ट नंबर गिवन है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि कोई भी अगर आपकी क्वेरी है रिलेटेड टू एलिजिबिलिटी या फिर अदर्स कोई भी आपकी क्वेरी रह जाती है सैलरी रिगार्डिंग, तो आप यहाँ से कन्फर्म कर सकते हो। और एड्रेस इसका मुमताजपुर पटौदी डिस्ट्रिक्ट गुरुग्राम में ही आपका पड़ता है। ईमेल ID भी यहाँ पर मैंशन है, और रेफरेंस दे सकते हो आप पंजाब केसरी हिंदी, द ट्रिब्यून इंग्लिश, दैनिक ट्रिब्यून हिंदी। 26 जुलाई को ये जो है पब्लिश किया गया था। सो, देख लेते हैं अब जहाँ पे क्लियर होगा वहाँ से आपको जो है इंफॉर्मेशन दी जाएगी। सो, देखो यहाँ पे दो कॉलेज दिए गए हैं, दोनों की आपको इंफॉर्मेशन दी जाएगी। एंड राव दिलीप सिंह कॉलेज ऑफ एजुकेशन मुमताजपुर पटौदी गुरुग्राम में आपका एफिलेटेड बाय NCTE एंड MD यूनिवर्सिटी रोहतक। मोबाइल नंबर आपका यहाँ पे मेंशन है। सो, टीचिंग पोस्ट में आपकी है असिस्टेंट प्रोफेसर इन एजुकेशन 3, असिस्टेंट प्रोफेसर इन पेडागोजी। ओनली असिस्टेंट प्रोफेसर इन एजुकेशन में 3 हैं, बाकी में सभी में 1-1 है। मैथमेटिक्स, फिजिकल एजुकेशन, लाइफ साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, कॉमर्स एंड SKT। हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, फाइन आर्ट, परफॉर्मिंग आर्ट, म्यूजिक, डांस एंड थिएटर, इन सभी में एक एक टीचर की रिक्वायरमेंट है। नॉन टीचिंग में ओनली आपकी लाइब्रेरियन की है। तो जैसा कि पहले ही हमने आपको बता दिया है कि दो जगह आपको अप्लाई करना होगा, एक आपको कॉलेज की वेबसाइट से एप्लीकेशन फॉर्म लेके कॉलेज में बाय हैंड या बाय पोस्ट, जैसा भी आपको ठीक लगे आप वैसे कर सकते हो। और उसके साथ दूसरा आपको MD यूनिवर्सिटी की डिपार्टमेंट DC डिपार्टमेंट में आपको एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करवाना होगा। लास्ट डेट जो रहेगी आपकी 15 अगस्त रहेगी, तो 15 अगस्त से पहले अप्लाई कर देना। उसके बाद ये इसके साथ ही एक और कॉलेज मेंशन है, तो इसको भी देख लेते हैं। रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड मैनेजमेंट है, BA&ND कॉलेज है आपका, एंड VPO वज़ीरपुर डिस्ट्रिक्ट गुरुग्राम में पड़ता है। ईमेल ID मेंशन है, फ़ोन नंबर मेंशन है 9910431745। सो, टीचिंग स्टाफ BEd कोर्स गिवन बिलो। रेगुलर पोजीशन पे रिक्वायरमेंट है असिस्टेंट प्रोफेसर मैथ, साइंस, कॉमर्स, संस्कृत, SST। और कैंडिडेट मस्ट क्वालिफाइड 55% इन आपके BEd या MEd में होने चाहिए, और PG इन सब्जेक्ट्स, और जिस सब्जेक्ट्स में अप्लाई करना चाहते हो उसमें आपका नेट या PhD होना चाहिए। तो यहाँ पे जो है क्वालिफिकेशन भी इसके साथ मेंशन है, बाकी कईयों में नहीं होती है, तो यहाँ पे जो है स्पेशली मेंशन कर दिया गया है। और क्वालिफिकेशन लगभग आपकी, कई बार कैंडिडेट्स पूछते हैं कि मैम क्वालिफिकेशन, तो क्वालिफिकेशन लगभग आपकी सेम ही रहती है कि भाई BEd होनी चाहिए। कई जगह कंडीशन लगा देते हैं कि 55% स्कोर होना चाहिए और PG होनी चाहिए, कईयों में नेट या PhD मांग ली जाती है। तो इसीलिए हम आपको जो है कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन करते हैं ताकि वहां से आप कंफर्म कर सकें। इसके बाद अब जान कॉलेज के बारे में, तो इसका भी कर लिया है हमने डाउनलोड, DPG ITM। ये रही आपकी जो है इसकी DPG ITM इंजीनियरिंग कॉलेज, सेक्टर 32, नियर हीरो होंडा चौक, गुरुग्राम में ये आपका पड़ता है। और कॉन्टैक्ट नंबर NEC के द्वारा ए ग्रेड MD यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है, जो कि ए ग्रेड यूनिवर्सिटी है। CSE प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एसोसिएट प्रोफेसर, देखो इसमें अलग अलग मेंशन है आपकी
यहाँ पे और यहाँ पे आपकी नॉन टीचिंग स्टाफ की रिक्वायरमेंट है, तो आप देख लेना आपको किस डिपार्टमेंट्स में अप्लाई करना चाहते हो, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना आप जो जो वैकेंसीज़ हैं ये। और इसमें भी आपकी जो लास्ट डेट रहेगी वो 21 डेज़ के अंदर अंदर आपको अप्लाई करना है, लास्ट डेट यहाँ पे मेंशन नहीं है, सो जल्द से जल्द अप्लाई कर देना। और जो पोस्ट है वो इंक्रीज या डिक्रीज हो सकती है टाइम ऑफ इंटरव्यू पर रिक्वायरमेंट, कॉल आप यहां से कांटेक्ट कर सकते हो। तो यहां पे भी आपको एक कॉपी एप्लीकेशन फॉर्म की सेंड करनी होगी डीसी डीसीएमडी यूनिवर्सिटी रोहतक की, और एक आपको कॉलेज में सबमिट करवानी होगी, वो आप अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग बाय पोस्ट या बाय हैंड सेंड कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कन्फर्म कर सकते हो। थैंक यू सो मच।